तेरा टोपो जो है ना, फिर इधर हम गिरे पड़े होंगे बादल समेत। नहीं गिरे होंगे वो घर में भी करना है ऐसी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुशबाश और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू कर रही हूँ मैं वीडियो ये खाना बनाने से। चावल मैंने भिगोए हुए, आज मैं सुबह अरहम ने चना था, उसकी ट्रेनिंग थी, वो तकरीबन घर से चला गया था 7:30-8 बजे, और मैं भी जल्दी उठ गई थी और चावल मैंने उठते भिगो दिए थे क्योंकि सैफ रात आ गया अचानक ही। वैसे इसने हमें सरप्राइज़ ही दिया है, रात 11 बजे ये घर पहुँचा है जुमे की रात को। तो ये सैटरडे वाले दिन की मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसने मुझे ये रात ये कह के सोया था कि मम्मा जी मैंने सुबह 11 बजे चले जाना है, तो आप ना मेरे लिए आलू वाले चावल तड़के वाले बना देना। अच्छा ये भी चिकन से और ये जो गोश्त वगैरह ना उससे भागी हुआ है, सब्जियों की तरफ ये इसका भी रुझान हो गया। बच्चे वैसे भी जो जिम जाने वाले हैं या जैसे जैसे ये थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं ना, ये पेप्सी कोला इस तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये भी छोड़ देते हैं, और मेरे हमारे घर में तो ऐसे ही है, और इस तरह की हेल्दी फूड की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है सैफ का वेजिटेबल्स की तरफ, वेजिटेरियन हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये शेयर करने लगी थी आप लोगों के साथ। तो चावल मैंने उठते भी खो दिए, जब मैं बनाने लगी हूँ तो वो तो तैयार होकर ऊपर से आ गई कि मामा जी मैं तो अब जा रहा हूँ, क्योंकि जो 11 बजे वाली ट्रेन आनी थी वो नहीं आनी है। और वैसे भी वीकेंड पर ऐसे होता है कि हर 2 घंटे के बाद, इधर हमारे एरिया में है कि आप हर 2 घंटे के बाद ट्रेन पकड़ सकते हैं या जो बस वगैरह है, नॉर्मल दिनों में हर घंटे के बाद। छोटा शहर है इसलिए, बड़े शहरों में तो और ही उनका तो और ही हिसाब है, उनका कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर इन शॉर्ट ये कि वो तो चला गया हुआ, तो चावल मैंने भिगो दिए हुए थे काफ़ी सारे। मैंने यही सोचा था कि बच्चों अपने ये जो घर में हम लोग जो पर्सन हैं जितने भी, सबके लिए फिर मैं ये चावल ही बना लेती हूँ, कुछ सैफ ले जाएगा और कुछ फिर घर में मैं रख लूँगी अपने लिए। लेकिन वो फिर भिगे हुए थे, तो अब मैंने फिर ऑल ऑफ सडन कह लो कि मेरे दिमाग में आया कि चलो कढ़ी बना लेते हैं चावलों का। फिर मैंने सबसे पहले चावल बॉयल होने के लिए रख दिए, चावलों को भिगे हुए अभी 2.5 घंटे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ, फिर अब मैं साथ ही ना ये जो देखी नज़र आ रही है प्याज में फ्राई कर रही हूँ, कढ़ी के लिए मसाला बना रही हूँ। और ये पैन में समी लगा हुआ है, इन्होंने प्रोटीन केक का ना ये पाउडर सा मंगवा के रखा हुआ है, तो ये अब अपने लिए नाश्ता ये रेडी कर रहा है। असदर हम और मैं, हम लोगों ने तो सुबह से हम फारग हो गए हुए हैं, ये अब उठ के आया नीचे। किंजा ने भी पहले वो आई थी तो उसने भी यही नाश्ता किया है, यही वाले पैन केक बना के खाए। तो मैं इसे वार्न कर रही थी कि उसने ज़्यादा बना लिए थे, उससे खाए नहीं गए, तो आप कम बनाओ, क्योंकि उसका ये किंजा मुझे कह गई कि मामा ये 2 से ज़्यादा मेरे से नहीं खाएगी, ये बहुत जट करते हैं, यानी इनसे पेट भर जाता है ना, पता नहीं क्या पाउडर सा घोला हुआ है, तो केमिकल ही। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि केमिकल तुम लोग इतने महंगे खा रहे हो, तो कोई फल वगैरह खा लो, अंडे वगैरह खाओ, इस तरह की कोई और हेल्दी फूड खाओ, लेकिन ये बच्चे बस वही करते हैं जो इनके अपने दिमाग में आ जाए। अच्छा कढ़ी के मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं दिखाई रेसिपी, क्योंकि मैंने कई दफ़ा मेरे चैनल पर मैंने कई दफ़ा आप लोगों को कढ़ी जैसे मैं बनाती हूँ बताया हुआ तरीका। मसाला भून के मैंने दही लिया है और उसके अंदर बेसन घोल के, तो वो इसके अंदर डाल दिया। आप जैसे ही इसे बॉयल आएगा तो फिर मैं, अभी मैंने थोड़ी देर इंतज़ार करना है, जैसे बॉयल आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा चूल्हा कम कर दूंगी और फिर ये पकती रहेगी। इस टाइम पे कढ़ी को पकते हुए 1.5-2 घंटे हो गए हुए हैं, तो मैंने साथ ही पकौड़ों का मेज़ा वगैरह बना लिया हुआ था, तो साथ ही मैंने पकौड़े भी तैयार करना फ्राई करना शुरू कर लिए हुए हैं। और जो चावल हैं वो तो कप के सुबह के पका के मैंने रख लिया, मैं साइड पे एक पतीला उठा के मैंने उसे साइड पे कर दिया हुआ है। अच्छा कढ़ी की ना मुझे एक और रेसिपी हमारे गाँव में बनती थी, पता नहीं अगर आप लोग ज़रूर मेरे साथ मेरे व्यूवर्स शेयर करें कि आप लोगों ने वो खाई हुई है या नहीं। हमारे गांव में ना जब नए चावल आते थे ना इन्हीं दिनों में, मुझे याद है दिसंबर वगैरह में या जनवरी में, कोई पता नहीं कब, जब हम गांव जाते होते थे किसी शादी भी वगैरह भी जाना होता था, और शादियां ज़्यादातर दिसंबर और अप्रैल वगैरह में ही होती हैं, तो जब नए चावल आते थे ना तो वो पिच की कढ़ी बनाते होते थे, वो बड़ी मज़े की, मेरी बड़ी वो फेवरेट है। उसमें पालक डाल के ना हमारे घरों में वो बनती होती थी, मेरी ताई भी बनाती थी, मेरी हाला भी बनाती हैं, लेकिन उसकी ये शर्त होती है कि वो जो पिच नए चावलों की है ना, क्योंकि वो थोड़ी थिक होती है, तो उसकी वो बनाते थे, और वो मुझे अभी भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरे वही जायका मुँह में आ जाता है, मेरी वो बड़ी फेवरेट थी वो। और जो नए चावल हैं उन्हीं के साथ वो खाई जाती थी, और नए चावल ज़्यादा खिले खिले हुए तो बनते नहीं हैं, वो उनका एक तो टेस्ट बड़ से बड़ा मज़े का होता था, लेकिन वो थोड़े पपा सा ही होते थे वो चावल, और उनके ऊपर वो कढ़ी डाल के, तो अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि काश कहीं से नए चावल हों तो मैं वो कढ़ी बना के खाऊँ।
उसके अंदर पकौड़े वगैरह नहीं डलते थे, ज़्यादातर पालक डाल के तो वो बनती थी, बड़ी मज़े की बनती थी। आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मेरे व्यूवर्स, अगर किसी ने वो खाई हुई है, या हो सकता है किसी के लिए ये बात नहीं हो कि पिच की भी कढ़ी होती है, लेकिन हमारे गांव में, मेरा गांव, हमारा गांव जो है वो शक्करगढ़, मेरा ज़िला है नारोवाल, सॉरी नारोवाल, तो उस एरिए में जब नए चावल घर में आते हैं ना, सिर्फ हमारा ही गाँव में नहीं, उस पूरे एरिए में ऐसे ही है कि ये कढ़ी ज़रूर बनती है। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर कोई उस एरिए का है तो उसे ज़रूर पता होगा मैं क्या जिक्र कर रही हूँ। तो खाना मेरा रेडी हो गया था और मैंने जाना था वीकली जो ख़रीदारी होती है घर की चीज़ें वगैरह लेने के लिए, तो मैंने असद और अरम दोनों को तैयार किया। इन दोनों के साथ निकलना भी एक मुआज पे निकलने के बराबर होता है, ये दोनों आजकल बहुत लड़ते हैं, इन दोनों की बुपटे चल रही है और ये मुझे बहुत तंग करते हैं। आपस में एक दूसरे से इतनी बहस करेंगे, ज़रा ज़रा सी बात पर इन्होंने इनकी आपस में चपले शुरू हो जाती है, मना करने के बावजूद भी ये बच्चे बस ऐसे ही हैं। तो मैं आई हुई इन दोनों के साथ, इधर पहले आए हैं हम लोग कॉफलैंड पे, क्योंकि इधर ना मैंने वो देखा था कि जोन ब्लूम एल जो है, जो पिछले दिनों पता जर्मनी में इतनी शॉर्टेज हुई हुई थी, अभी भी खैर प्राइस से तो बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन इन्होंने आज ऑफर उस पर लगाई हुई थी, 2 यूरो में था 1 लीटर। तो मुझे तो ये 2 फ्लाशें ही 2 मिल सकी हैं, मैंने वो ले ली हैं, और थोड़ी बहुत और चीज़ें जो घर की ग्रॉसरी लेनी थी वो मैंने ली है। तेरा डोरबो जो है ना, फिर इधर हम गिरे पड़े होंगे बादल समेत। अच्छा जी, कॉफलैंड से जो हम लोगों ने चीज़ें जो थोड़ी बहुत जो लेनी थी वो ले ली हैं, ग्रॉसरी जो घर की लेनी थी चीज़ें, और इसके बाद मैंने अब जाना है तुर्किश दुकान पे, थोड़ा सा फ्लाइश लेना है बच्चों के लिए, मैंने जो खाने छाने बना के जाने हैं ना उनके लिए, मैंने ये सोचा है कि फ्रीज हुआ तो निकालूँगी तो ताज़ा ले जाती हूँ। तो तुर्किश दुकान पर जाना है, गोश्त लेना है, और इसके अलावा कबाब वगैरह, रेडीमेड जो चीज़ें हैं ना, श्निट्ज़ल वगैरह, इस तरह की चीज़ें ला के, तो पैकेट मैंने फ्रीज़र में रख के छोड़ के जाना है। मुझे किंजा ने जैसे वो उसने बताया कि मामा जी ये चीज़ें आपने ज़रूर ला के रख देनी है, बाद में मैंने फ्राई करके दे दूँगी। स्कूल से आके उसका ये कहना है कि मेरे लिए फिर से ख़रीदारी करने जाना है, इन चीज़ों को इकट्ठा करना वो भी एक काम है, तो आप प्लीज़ ये ला के तो रख दें। तो इस टाइप हम लोग आए हुए हैं लिडल पे, और ये अरहम भी सेम सम्मी की तरह है। सम्मी का मुझे बचपन याद आ जाता है, वो भी ऐसे ही जब बहुत छोटा था, किंडरगार्टन की एज में था, तो ये लिडल या अल्डी पे कहीं पे भी इसे उन ऑर्डरों जो थी ना वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी, चीज़ों की बेतरतीब भी वो इन तरतीब में रखना शुरू हो जाया करता था। और ये हमारा अरहम भी सेम वैसा ही है, ये भी खैर इसका कमरा भी खैर साफ़ सुथरा ही रखता है, लेकिन ये कहीं भी जाए इसे ऑर्डरों में चीज़ें रखने की आदत है, करना शुरू हो जाता है ये। असद आपसे बड़ा है ना, अच्छा जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर, और ये चीज़ें जो मैंने बच्चों के लिए फ्रीज़ करके जानी है, जो जब हम लोग इधर नहीं होंगे तो इन्हें मैंने अभी साथ ही फ्रीज़र में पहुँचा देना है। अरहम ने कहा था कि ये जो ब्रोचने हैं ना, ये बकफन में वाम होने वाली है, ये रेडी टू ईट है, इन्हें हमने सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, तो ये भी ये 3-4 पैकेट इसने उठा लिए कि मामा जी जब आप लोग ना हुए ना। अच्छा, चीज़ें ही इतनी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है इन्होंने बाद में वही कॉर्नफ्लेक्स खा के चले जाया करना है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने मेरा जो टूर था ख़रीदारी का इंजॉय किया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को, और एंड तक ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।